IPL T20 में आज हम बात करेंगे मैच नंबर 20 की, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात लायंस को 21 रनों से हरा दिया। ये मैच कई मायनों में बेहद खास रहा, देखते हैं कैसे। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये 10,000 रन अपने 290वें T20 मैच में पूरे किए। गुजरात लायंस के कप्तान सुरेश रैना के लिए ये 250वां T20 मैच था। भारत की तरफ से 250 T20 मुकाबले खेलने वाले वो दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले भारत के लिए 250 या उससे अधिक मुकाबले महेंद्र सिंह धोनी ने खेले हैं। इस मुकाबले में विराट कोहली और क्रिस गेल ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई, और ये 10वां मौका था जब 2020 क्रिकेट में इन दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की पार्टनरशिप की, और इसके साथ ही वो 2020 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 100 रनों की पार्टनरशिप करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 200 से अधिक रन बनाए, और ये IPL में 13वां मौका था जब उन्होंने 200 या उससे अधिक रन बनाए, और इसके साथ ही IPL में 200 रन सबसे ज्यादा बार बनाने का रिकॉर्ड भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में गुजरात लायंस के स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने 57 रन दे दिए, और ये T20 क्रिकेट में पहली बार हुआ जब जडेजा ने अपने 4 ओवरों में 50 या उससे ज्यादा रन खर्च किए। फिलहाल के लिए इतना ही। IPL के अगले मुकाबले के साथ फिर होगी मुलाकात।